हेलो गाइस, मैं एडवोकेट सक्षम फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल स्टेशन में। थैंक यू गाइस, आप सबका लोगों का प्यार के लिए बहुत अच्छे लाइक्स और सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं मुझे। धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बट मैं हैप्पी हूं। ठीक है गाइस, मैं आज सबके सामने उसी का कंटिन्यूएशन लेके आया, IBPS लॉ ऑफिसर स्केल 1। मुझे पता है 2-3 वीडियोज हो चुकी है, ये चौथी वीडियोज और लास्ट, उसके बाद एक मैं इंटरव्यू की वीडियो लेके आऊंगा। मैं आज बात करूंगा इसका मेन सेक्शन के लिए, जो मेन्स एग्जाम होता है स्टेज 2, जो कि IBPS लॉ ऑफिसर स्केल 1 का स्टेज 2 एग्जाम है। उसमें हम लोग बात करते हैं कि मेंस एग्जाम क्या होता है, प्रोफेशनल नॉलेज के नाम से इसका पेपर का नाम है, जिसमें हमें 60 क्वेश्चन आते हैं और वो 60 के 60 क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड होते हैं। आपको सेक्शनल टाइमिंग 45 मिनट मिलता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉ के कुछ जो टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। 3 IBPS लॉ ऑफिसर मेंस एग्जाम, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, टाइप ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। मतलब स्केल 1 का ये इकलौता मेरे को लगता है ऐसा पेपर है लॉ में जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, या सेबी वगैरह के कुछ होते हैं। मतलब जुडिशरी से तो काफी डिफरेंट है, मेंस में इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का ही होता है। सिलेबस गाइस, मैं मतलब कि ये वैसे कुछ स्टेटिक, मतलब स्टैटिक टॉपिक है जो आते ही आते हैं, बट कुछ करंट, जैसे अब किसान पे फार्मर्स लॉ आया था, या फार्मर बिल आ रहा है, या 105th अमेंडमेंट कुछ आ गया है, कोई भी लेटेस्ट जजमेंट है, तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है। मतलब कुछ इसमें स्टैटिक तो कवर होते ही होते हैं, कुछ डायनेमिक टॉपिक्स भी कवर हैं जो अभी डे टू डे ऑन गोइंग करंट्स में चल रहे हैं, जो मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है, तो आप प्लीज उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आएगा, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी एक्ट 2016, ये तो मतलब नेसेसरी, मतलब ये सारे वो हैं जो स्टैटिक आपको करने ही करने, मस्ट मतलब करने वाले टॉपिक हैं। सरफेसी एक्ट 2002, RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, NI एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, रिलीफ एक्ट, आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन आप वन डे में ही कवर कर लोगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 30-35 सेक्शंस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट RTI 2005, कंपनीज एक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा कवर करने में, तो थोड़ा सा है। RDBFI एक्ट, रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड बैंकरप्सी एक्ट, लोक अदालत, ठीक है, इसमें ओम्बड्समैन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये जरूरी, ओम्बड्समैन स्कीम, जनरल लॉज पढ़ने हैं कुछ आपको, पामला पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रेरा पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मस्ट है, ये आपको पता ही है, तो मतलब हर बच्चा कवर ही कर रहा होता है, हम लोगों ने लॉ में भी पढ़ा होता है जो अपने कॉलेज करिकुलम होता है। स्टैम्प एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इससे कम क्वेश्चन आते हैं बट कभी इक्का दुक्का दिख जाते हैं, तो मतलब रिस्क नहीं ले सकते, अगर 60 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 40 तो लाने ही पड़ते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, CRPC, CPC कॉमन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, IT एक्ट, IPC, IT एक्ट से कभी कभी एक दो क्वेश्चन दिख जाते हैं, IPC, लेबर लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। तो गाइज ये टॉपिक हैं स्टैटिक्स जो आपको कवर करना ही करना है, प्लस इसमें मैं आपको बता दूं सेक्शनल टाइमिंग 45 मिनट्स का होता है, सेक्शनल टाइमिंग का एक ही सेक्शन है तो 45 मिनट्स टोटल होते हैं आपको। गाइज इन सबको कवर करने के लिए जो मैंने कुछ करा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं फेमा वगैरह के, मतलब बार चार्ट से समझने के लिए, तो जो इसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक है ना जिसपे मैंने टिक लगाए हुए हैं, ये टॉपिक का ना आपको अगर जैसे डिटेल्ड में जल्दी से स्पीडी में देखना है कि मतलब एक ओवरव्यू ले लूँ उसके बाद मैं उसको पढ़ूँ, तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मास्टर क्लास, या मास्टर मतलब मास्टर वीडियो डालोगे तो बहुत सारा आ जाएगा, मतलब मैराथन लेक्चर बोलते हैं, मास्टर भी नहीं, सॉरी गाइस, मैराथन लेक्चर आपको डालना है तो आपको ये मिल जाएंगे, जैसे 3-4 घंटे में पूरा कवर हो रहा होगा, तो एक बार ना आपको ओवरव्यू मिल जाता है ना, तो जब हम खुद थ्योरेटिकली बेरेक्ट से पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली बेरेक्ट से ही पढ़ना है सारा कुछ, तो बेरेक्ट से पढ़ते हैं ना, तो हमें वोकैब वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती और जल्दी से हम लोग अडेप्ट कर पाते हैं उस चीज़ को, मतलब ग्रैस्प कर पाते हैं जल्दी से। तो थोड़ा सा मेरे को जो ये स्ट्रैटेजी है मेरे को अच्छी लगी कि मैं पहले मैराथन देख लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत है, 6 महीना है, तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलते हैं इंटरव्यू की वीडियो।